हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रेशियो एनालिसिस के अपने न्यू टॉपिक के साथ आपसे बात करने वाला हूं। गाइस, जैसा कि आप सभी के साथ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का इंट्रो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं और उसके सब पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करने के लिए आपसे बोला था। तो गाइस, आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला सब टॉपिक यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आइए चलते हैं और जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। द रेशो इज कैलकुलेटेड एंड शोन इन परसेंटेज। सो गाइस, रेशो एनालिसिस का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पहला टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमेशा आपको यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, हमेशा आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है परसेंटेज में मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट सेल्स, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट सेल्स, और आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बता दें। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने में के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा होगा, जब हम ट्रेडिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टू वाली साइड होती है वहाँ पर आप देखते हैं ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेस होता है और काफ़ी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम उस साइड को जोड़ दें और उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करना हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी टाइम आपको सिखाया हुआ है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आप सभी वीडियोस वन बाय वन करके देखते रहें, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे तब आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक अप हैं और ये टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे समझने में। सो गाइस, हमने यहाँ पर एक कोशिश की है एक एग्जांपल के थ्रू आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाने की। तो यहाँ पर आपको 2016 और 17 दिया है और यहाँ पर नेट सेल्स दी है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको बिल्कुल क्लियरली दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी बिकॉज इस लेवल के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग तो ईजी से करनी होगी एंड वी विल गो टू ईजी टू हार्ड। अब यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ 2016 का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आपने लगा दिया ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट सेल्स, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया 40,000 और आपकी नेट सेल्स हो गए 1,60,000। 20 से ये 20 क्रॉस हो गए, 20 से ये 20 क्रॉस, और आपने अगर 8 2 16 और 8 5 40 किया तो ओवरऑल आपका आ गया है 25%। आपसे मैं ये कहूँगा कि आप ये 2017 का जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दी गई है यहाँ पर, तो आप इससे अपना जो है GPR यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करके हमें बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम थोड़े से टफ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को पहले बड़े अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फॉर्मूला वाइज अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। तो फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको अगले टॉपिक्स साथ ही साथ इस टॉपिक के कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराना सिखाएंगे। सो गाइस, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। लास्ट में बस यही कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो, ये मेहनत आपको दिख रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपके लिए एक तरह से क्या है, वेलविशर हैं, और हर एक फ्रेंड ज़रूरी भी है, तो इसलिए फ्रेंड्स के लिए हमें इतना तो बनता ही है। चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लगता है आपको कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।